विश्व एड्स दिवस पर बालको ने विचार गोष्ठी आयोजित की। बालको नगर के सेक्टर 1 स्थित प्रगति भवन में छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं बालको महिला मंडल के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कोरबा की महापौर श्रीमती रेणु अग्रवाल थी। देखे ये रिपोर्ट। विश्व एड्स दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में श्रीमती रेणु अग्रवाल ने एड्स के प्रति जागरूकता के प्रसार की दिशा में आयोजित कार्यक्रम को प्रशंसनीय बताया। एड्स के प्रति जागरूकता के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बालको संचालित परियोजना जागृति का क्रियान्वयन स्वयंसेवी संगठन स्त्रोत ने किया है। बालको के महिला मंडल हमेशा एड्स के बारे में अपना सुझाव और यहाँ के वक्ता लोग आके बताते हैं। मैं चाहूंगी जितने लोग यहाँ उपस्थित है इस हाल में और ये बात जो भी सुनते हैं एड्स के बारे में, तो अपने अगल बगल अपने सहेली लोगों के साथ, जो बेटे लोग हैं अपने दोस्तों के साथ, तो इससे ज्यादा बातें फैलने से एड्स से कैसे बचते हमको जानकारी मिलेगी। मेरे बेटी और बेटे आए हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में जो भी यहाँ आके बताए एड्स के बारे में कैसे बचे, ज्यादा से ज्यादा बात करेंगे तो जो भी नौजवान पीढ़ी या आज आने वाली उस बीमारी से बचेगी। आप लोगों ने बुलाया, मेरा स्वागत किया, मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जिला एड्स नियंत्रण समिति के नोडल अधिकारी डॉक्टर GS जात्रा, बालको अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विवेक सिन्हा और बालको नगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री सुमेर डालमिया ने कहा कि सावधानी से ही HIV/AIDS से बचाव संभव है। कार्यक्रम में बालको महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती अनीता शर्मा विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद थी। और जैसे बच्चा भी नहीं होता है तो बच्चे को और कोशिश ये करना चाहिए कि अगर डिसाइड करते हैं कि जो जिसका बच्चा होना है उसको सिजेरियन कराना है, इसी समय बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तो वो जो HIV वायरस है प्लेसेंटा का पास नहीं कर पाएगा, प्लेसेंटा में बच्चा सेव होता है। अब उस बच्चे को हमको बचाना है तो सिजेरियन ऑपरेशन कराना पड़ता है। सिजेरियन ऑपरेशन क्या है, जब माँ का जो ब्लड रहता है सिजेरियन ऑपरेशन के मान के काम के लिए जरूरी करते हैं, जैसे डिलीवर्ड होता है माँ और बच्चे के ब्लड से कॉन्टेक्ट होता है और उसी समय HIV का वायरस बच्चे में चला जाता है। तो अगर हम सिजेरियन ऑपरेशन करते हैं तो वो सब जैसे हम कार्ड से ब्लॉक कर देते हैं जिससे बच्चे को HIV वायरस से बचाया जा सकता है। इसका एक ही उपाय है कि हर व्यक्ति स्वयं निश्चय कर शपथ ले कि मैं मेरे जानने बूझने में मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा या किसी को भी करते ही देखूंगा तो उसको रोकने का प्रयास करूंगा। हर व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति को इस कार्य के लिए प्रेरणा देता है या कार्य गलत है तो मैं नहीं सोचता कि इससे ज्यादा कोई बड़ी प्रेरणा होगी। सरकार के ऊपर हर चीज की अपन मुंह पाते हो गलत और भारत में कंपनी हमेशा यह कार्य करती है और पूर्व में BCSR कॉर्पोरेशन वालों का ये देखा एड्स के बारे में इन लोगों का काफी बढ़िया रोल प्ले कर रहे हैं और अभी आशीष जी के आने के बाद से भी काफी सोशल एक्टिविटीज और बढ़ी है। मुझे उम्मीद है कि हम यहाँ जितने उपस्थित लोग हैं इन कार्यक्रमों का लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। इन्फेक्टेड इंजेक्शन जैसे अगर कहीं पे इंजेक्शन लग रहा है और स्टरलाइज नहीं है उसको बार बार यूज कर रहे हैं या फिर डिस्पोजेबल नीडल आने लगे हैं, आज से 10 साल पहले डिस्पोजेबल नीडल नहीं हुआ करते, एक स्टील का मोटा सा नीडल था उसी को गर्म करके यूज करते थे, उसमें चांसेस सबसे ज्यादा डिस्पोजेबल नीडल में नहीं रहता है।
सेविंग प्लेट्स, सिंपल सेविंग प्लेट्स पर अगर आप अपना पर्सनल यूज कर रहे हैं तो ठीक है, बट नहीं कॉमन जगह पे यूज कर रहे हैं और एक ही सेविंग प्लेट अगर किसी इंफेक्टेड का से कट हुआ है उससे आता हो तो उसे निकाल हो सकता है। बॉडी फ्लूड्स में सिविल रजाइनल फ्लूड यही तो एक जगह है जहां से वो जा सकता है। बालकों के कंपनी संवाद एवं सामुदायिक विकास प्रमुख श्री आशीष रंजन ने आयोजन में सहयोग के लिए छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति, जिला स्वास्थ्य विभाग, बालको महिला मंडल, स्वयंसेवी संगठन स्रोत और विभिन्न स्कूलों का साधुवाद किया। प्रोजेक्ट जागृति के माध्यम से स्रोत संस्था हमारे साथ में पिछले कई वर्षों के मिलकर हमारे साथ काम कर रही है। इसमें जिला एड्स नियंत्रण समिति और राज्य एड्स नियंत्रण समिति का भी सहयोग है। हम सब मिलकर के ये प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में हम एचआईवी एड्स को लेकर के जागरूकता फैलाएं। तो आज उसी संदर्भ में इस सेमिनार का आयोजन किया गया है जिसमें हम एड्स से रिलेटेड विभिन्न विषयों पर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और इस जिले के जो बुद्धिजीवी लोग हैं आज उस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मैं पुनः एक बार आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आपने यहां पे समय निकाल करके हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के इसकी गरिमा को बढ़ाया। विचार गोष्ठी कार्यक्रम 3 विषयों पे आयोजित हुई। प्रत्येक विषय पर चर्चा के लिए पैनल बनाए गए थे। पैनल के सदस्यों ने एड्स के प्रति जागरूकता के लिए सामाजिक सहभागिता को महत्वपूर्ण बताया। अब यदि युवा ही आगे आ जाए तो समाज सुधरेगा, उनका विकास होगा, नगर का विकास होगा, देश का विकास होगा, अंतर्राष्ट्रीय विकास होगा। युवाओं की जो प्रतिभा है वो इतनी यानी क्षमता जो है वो इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने स्रोत से भी जानकारी इकट्ठा करता रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो इस बार में हमारे साथ में युवा रहेंगे वो इस विषय पर किस प्रकार से इसकी जानकारी इकट्ठी करें या किस प्रकार से हम इससे इसका बचाव करें और अपने स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता किस प्रकार से रखें ये तो वो बताएंगे। अपनी इसमें चाहे आप हो चाहे उपस्थित जितने भी लोग, वास्तव में ये एज 14-15 साल से लेकर के 20 साल तक का जो एज होता है वास्तव में इस एज में ये समझ में नहीं आता है कि हम कौन सी गलत कर रहे हैं। ठीक है, ब्लड के द्वारा भी फैलता है, इंजेक्शन के द्वारा भी फैलता है, माँ को गर्भवती माँ से बच्चे को भी फैलता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आज का जो समय है सेक्सुअल संबंधों के कारण में सबसे ज्यादा जहां तक मेरी जानकारी में है ये बीमारी के फैलने का कारण है। इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं क्योंकि देखिए कोई बच्चा है जिसके साथ कोई गलत काम हो रहा है वो जाकर क्या करते हैं, अगर अपने फ्रेंड से डिस्कशन करते हैं तो फिर लड़कियां तो अपने माँ से आ जाता है क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है जो इधर से इस टॉपिक में विषय में चर्चा कर पाए इस विषय में बता पाए। ठीक है, तो यदि हम लोग ऐसा पता चलता है किसी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो हमें इससे मतलब दूरी में आना चाहिए, क्या करना चाहिए, मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। स्टूडेंट का मेरा ये कहना है कि वे शिक्षा की ओर ध्यान दें, अपने पर संयम बरतें जो सबसे अधिक आवश्यक है। एक बार संयमित जीवन जीने से आप बहुत सी भविष्य की बीमारियों से बच सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये कि जो लड़कियां हॉस्टल्स में रहती हैं, लड़के हॉस्टल्स में रहते हैं, वहां पर महीने में नियमित एक ऐसा सेमिनार का आयोजन किया जाए जिसमें उनको ये बताया जाए कि असुरक्षित यौन संबंध से क्या क्या तकलीफें और क्या क्या बीमारी हो सकती है। क्योंकि चिकित्सक तो अपना काम कर रहे हैं और उन्हें ये बताना कि इसमें कोई शर्म नहीं है, कोई रोग कोई व्यक्ति बीमार होना नहीं चाहता, चाहे मलेरिया हो या पीलिया हो, हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। उसी प्रकार का ये एक छोटा सा उपाय है, उन्हें ये बताना कि आप आइए आप अपनी चिकित्सा कीजिए, लेकिन उनके मनोबल को बढ़ाने का काम प्रत्येक समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का काम है। व्यक्ति घृणा का पात्र है नहीं, वो घृणा का पात्र नहीं बल्कि वो सहानुभूति और हमारी केयर मतलब हम उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं ताकि वो मुख्य धारा में आ सके। ऐसे व्यक्ति के अंदर अपने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण लाना ही हमारा मुख्य ध्येय होना चाहिए और जिनके लिए शिक्षा एकमात्र हथियार है।
अगर हम सिर्फ सेक्सुअल क्वांटिटीज में आ रहे हैं तो प्रिकॉशन ले जाना चाहिए, उस समय हमें उससे बचने के उपाय की तरफ भी ध्यान लगाना चाहिए ताकि हम सेल्फ सेक्सुअली सेक्स में इन्वॉल्व हो ना कि अनसेफ सेक्सुअली कॉन्टेक्ट में, ताकि हम एचआईवी एड्स से बचे रहें। प्रभावी संचार तभी होगा जब हम इसकी मूल कहां जानकारी अपने तक रखेंगे। संचार का मतलब है चीजों को समझना और समझने के बाद प्रतिक्रिया जवाब देना, और जवाब आपका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले का जो एक्शन है, जो क्रिया है, वो आपके जवाब अनुसार हो। अतिथियों ने विश्व एड्स दिवस पर आयोजित चित्रकला स्पर्धा के प्रतिभागियों को पुरस्कार दिए। आप लोग ठीक है? विश्व एड्स दिवस पर विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। श्री डिक्सन मसीह ने आभार जताया।